मैं उन्हें दोस्त हुआ प्रजापति और एनजीसी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। हालांकि हमारे पहले लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट यानी सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया था, लेकिन यहाँ पर हम फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सॉलिड को हमने सॉलिड के जो पार्टिकल हैं उनके अरेंजमेंट के आधार पर दो भाग में बांटा है। कौन कौन से? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस, एटम को क्रिस्टलाइन बोलते हैं हिंदी में और अमोर्फस को बोलते हैं अक्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड अक्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं इसको देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनका कोई एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, यानी अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक कर दिया जाए तो उससे टूटने वाले जितने भी टुकड़े हैं वो हर बार सेम होते हैं। लेकिन अक्रिस्टलाइन सॉलिड में, अमोर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता। अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है कि हम उसको जितनी बार ब्रेक करते हैं सॉलिड को, उसके जितने भी टुकड़े होते हैं हर बार उसका शेप अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो बटर, ग्लास, रबर, प्लास्टिक की चीजें। अगर हम ग्लास को तोड़ दें तो ग्लास से जो टूटेंगे तो उसके टुकड़े होंगे, वो टुकड़े हर बार अलग अलग शेप के होंगे। और एक इसका तरीका और है पहचानने का कि क्रिस्टलाइन कौन सा होगा और अमोर्फस कौन सा होगा। अगर हम अमोर्फस सॉलिड को काटते हैं चाकू से या फिर किसी से काटते हैं तो उसका जो सरफेस होता है वो सरफेस कटने वाला सरफेस स्मूथ नहीं होते, वो थोड़ा खुदरा होता है। तो अब जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो खुदरे होते हैं कटने पर। चलो अब बात करते हैं हम कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी हमने चार भागों में बांट रखा है। ये तो हमने दो भागों में बांटा सॉलिड को, सॉलिड के पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर। अब जो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उनमें जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, उस अट्रैक्शन फोर्स के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने चार भागों में बांटा। पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड या फिर जिसको हम बोलते हैं आणविक सॉलिड, हिंदी बोलते हैं आयनिक सॉलिड, इसको हिंदी में भी आयनिक सॉलिड बोलेंगे, आयनिक फोर्स। मेटेलिक फोर्स यानी धात्विक सॉलिड, कोवेलेंट यानी कोवेलेंट को हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक ठोस, तो सहसंयोजक ठोस हो गया। तो ये चार भागों में बांटा है हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को। अब यहाँ पर देखते हैं कि आयनिक सॉलिड कौन कौन से आयनिक सॉलिड होंगे। तो आयनिक सॉलिड में हम जो पढ़ेंगे सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनके बीच बॉन्ड यानी लेने वाला फोर्स कैसा होगा, आयनिक होगा। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच आयनिक बॉन्ड हो, ऐसे अणु नहीं कह सकते क्योंकि आयन से मिले बने होते हैं, तो ऐसे सॉलिड जो आयनिक बॉन्ड होता है, जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है वो कहते हैं आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। ये आयनिक सॉलिड हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे NaCl, इनके बीच आयनिक बॉन्ड होता है क्योंकि Na का पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव होता है, तो इनके बीच पॉजिटिव और निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, तो इन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये जो इनके बीच आयनिक बॉन्ड होगा वो कैसे कंपाउंड होंगे, वो होंगे आयनिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो मेटेलिक सॉलिड में ऐसे सॉलिड कहा जाते हैं जिनके बीच मेटेलिक बॉन्ड हो, यानी हम सिंपल धातु की बात करें, धातु में जितनी भी हमारी धातु है तो वो मेटेलिक सॉलिड में आ जाएंगी, जैसे आयरन, कॉपर या फिर सोना, चांदी या फिर मैग्नीशियम, ये सब क्या धातु हैं और ये जितनी भी धातु हैं सब हमारी उसमें मेटेलिक सॉलिड में आ जाएंगे। कोवेलेंट की बात करें तो कोवेलेंट में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है यानी इनके बीच जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट में, बॉन्ड तो कोवेलेंट ही बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब हिंदी में उसको होता है सहसंयोजक बंध, लेकिन इनके इनमें जो पार्टिकल प्रजाति है एक बहुत लंबी चेन में प्रजाति होते हैं, तो ये ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जिनमें बहुत लंबी चेन बन रही हो ये कहलाते हैं हमारे कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड। तो इसमें एग्जाम्पल की बात करें डायमंड में क्या होता है, डायमंड में सारे कार्बन आपस में जुड़े होते हैं, जितने भी कार्बन होते हैं उनके बीच बॉन्ड तो कोवेलेंट होता है, बॉन्ड कोवेलेंट होता है, लेकिन ये बहुत लंबी चेन होते हैं इसलिए इनको बोलते हैं हम नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। नेटवर्क सॉलिड को हम हिंदी में श्रृंखला सॉलिड भी बोल सकते हैं या फिर नेटवर्क सॉलिड ही बोल सकते हैं। तो नेटवर्क सॉलिड होते हैं या फिर ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है
वो भी एक कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है। नेटवर्क सॉलिड इसका मतलब कि उसमें बहुत लंबी चेन होगी। या फिर क्वार्टज की बात करें, क्वार्टज एक पत्थर होता है जिसका पवन ऐसा ही भूतू होता है, तो ये भी एक कोवेलेंट सॉलिड है। तो आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मॉलिकुलर सॉलिड के बारे में कि मॉलिकुलर सॉलिड को भी हमने तीन भागों में बांट रखा है कि जो मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उनमें किस तरह होता है, कौन कौन सा होता है, उसके आधार पर हमने तीन भागों में बांट रखा है। एक ऐसे सॉलिड देखो, एक है पोलर, पोलर जिसको हिंदी बोलते हैं ध्रुवीय सॉलिड, एक है नॉन पोलर जो अध्रुवीय ठोस, और एक है हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड यानी हाइड्रोजन आबंधित ठोस, यानी ऐसे ठोस जिनके बीच क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्ड बना हो, वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड कहलाएंगे। तो ये हो गए। अब इनमें देखो, इनकी बात करते हैं, हम हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करते हैं, पहले इधर आ जाते हैं ध्रुवीय की। अब पहले पता करते हैं ध्रुवीय क्या होता है और अध्रुवीय होता क्या है। तो ध्रुवीय में, ध्रुवीय का मतलब होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो ध्रुव प्रेजेंट हो, दो ध्रुव प्रेजेंट हो मतलब क्या कि इसमें अलग अलग दो अलग अलग एटम प्रेजेंट हो और उनकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या हो, अलग अलग हो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो। जैसे आपका एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अलग है, क्लोरीन की अलग है। तो ये HCl हो गया हमारे पोलर, पोलर हो गया, पोलर यानी ध्रुवीय हो गया, SO2 पोलर हो गया। ये अब हम बात करें CCl4 की या फिर H2 की या CO2 की या आर्गन की, तो ये सब अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय जिसमें एक ही प्रकार के एटम्स प्रेजेंट होंगे वो अध्रुवीय कहलाएंगे, जैसे H2O2 या फिर CO2, ये सब क्या है, अध्रुवीय कहलाएंगे। और इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए हमारा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर हमने इसको और डिटेल में पढ़ा रखा है। चलो बाकी हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करें, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड में तीन मॉलिक्यूल ही आते हैं, तो इनमें ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और इनका नाम है NH3 यानी अमोनिया, H2 यानी वाटर और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो तीन मॉलिक्यूल हैं जिनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जो कि एक वीक बॉन्ड होता है, इसी वजह से ये लिक्विड की फॉर्म में होते हैं और फिर इसको सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये तो हो गए सॉलिड के क्लासिफिकेशन हो गया जो हमने हल्का पढ़ा है, हालांकि इसमें डिटेल में हमने पहले लेक्चर में पढ़ा रखा है। अब बात करते हैं ये जो सॉलिड है इनके जो पार्टिकल है वो पार्टिकल आपस में जो जुड़ेंगे वो किस तरीके से जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, उसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग या फिर हिंदी बोलते हैं निबिड़ संतुलन। तो इसमें निबिड़ संतुलन देखते हैं क्या होता है, तो ये देखो इसको हम तीन भागों में बांट के देख सकते हैं। एक है बंडी क्लोज पैकिंग। बंडी क्लोज पैकिंग का मतलब है कि एक दिशा में पैकिंग होना, यानी जिसकी केवल एक ही रिएक्शन हो, तो या फिर लंबाई चौड़ाई, जिसमें से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कोई एक ही इसमें मेजरमेंट हो तो वो कहलाएगा हमारा बंडी। तो जैसे हमारे ये बंडी में दिखा है कि जितने भी एटम्स हैं ये सारे एटम्स एक ही लाइन में प्रेजेंट है, यानी केवल लंबाई इसमें कोई चौड़ाई नहीं है और ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, तो ये एक ही लाइन में प्रेजेंट है, तो ये कहलाएंगे हमारे बंडी, बंडी कहलाएंगे। तो ये जो हमारे लाइन हमारे एटम्स जो आपस में जुड़ रहे हैं, क्लोज पैकिंग का मतलब है कि बहुत पास पास में जुड़ जाना, क्लोज पैकिंग हो जाना। तो ये एटम जो है सॉलिड के एटम, अगर कुछ एटम प्रेजेंट हो तो वो बहुत क्लोज पैक हो जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं बंडी क्लोज पैकिंग। और 2D में करना है तो 2D में केवल दो चीज़ होंगी, एक लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। तो अब 2D में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके नीचे एक लेयर और बनाएंगे। अब वो लेयर जो हम कैसे लगाएंगे, उसके दो तरीके हैं कि एक तो ये तरीका है कि ये जो लेयर है इस लेयर पे हम क्या कर सकते हैं कि पहली लेयर के जस्ट नीचे वाली लेयर उसके एटम के ठीक नीचे हो, यानी ये एटम और ये एटम क्या है, एक दूसरे ठीक नीचे है, तो इस तरीके लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम इसको जो एटम है इस एटम को इसके बीच में लगा सकें, बीच में लगाएं, जैसे ये हमने यहाँ पर जो लगाया है एटम, ये वाली पहली लेयर हुई, ए लेयर हुई हमारी, ए लेयर है और ये है बी लेयर, यानी बी लेयर के जो एटम्स हैं वो ए लेयर के बिल्कुल बीच वाले भाग में प्रेजेंट है, जहाँ पर ये खाली स्पेस है यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इस तरह से लगा सकते हैं। तो दो पॉसिबिलिटी हैं, दो तरीके से हम एटम को अरेंज कर सकते हैं, और अरेंज करने के बाद हमें दो तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं यहाँ पर, कौन कौन से दो तरह की हमको पैकिंग मिलेगी, दो तरह की पैकिंग मिलेगी हमको यहाँ पे। एक तो ये हो गया, देखो ये हो गया हमारा कि पहले हमने जो पैकिंग की है इसमें जो एटम्स प्रेजेंट है वो किस तरह से पे हैं, जितनी भी लाइन चाहिए सब एक जैसी लाइन चाहिए, सब एक जैसी लाइन है, जैसे ये वाली लाइन सेम लाइन,
ऐसे ये वाली लाइन भी सेम है, तो ये भी ए लाइन नाम दे दिया इसको, तो इसको भी ए दे दिया, तो ये ए और ये ए, तो ये कहलाएगा हमारा ए ए टाइप अरेंजमेंट, यानी ये जो अरेंजमेंट कहलाएगा हमारा ए ए अरेंजमेंट कहलाएगा। तो यानी जो एटम्स है, एटम का अरेंजमेंट हो गया, उसके फिर हुआ ए ए अरेंजमेंट हुआ। अब इसमें हम इसका स्ट्रक्चर का देखें, स्ट्रक्चर के आधार पर कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर के अगर बेस पे इसको देखेंगे हम, तो अब देखो कि यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे जो एटम है, जो सबसे कोई भी एक एटम ले लो, वो डायरेक्ट कितने एटम से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला एटम चार एटम से जुड़ा हुआ है, एक ऊपर वाला ये और एक ये और एक नीचे वाला, तो चार एटम जुड़ा हुआ है। तो अगर इन सभी एटम को चारों को जोड़ दिया जाए तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो कलर में दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्क्वायर स्ट्रक्चर होगा, यानी एक वर्ग इसमें बनेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं हम SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक यहाँ पर रखा है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि कोई भी एक एटम डायरेक्ट कितने एटम से जुड़ा हुआ है। तो इसमें कोई भी एक एटम ले लो, तो ये तो टर्मिनल है, टर्मिनल का मतलब नहीं है हमें, क्योंकि इसके आगे भी और एटम्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे और भी एटम्स होंगे, हमने यहाँ पे शो नहीं करे हैं। तो अब यहाँ पे कोई एक एटम ले लो, जैसे हमने ये एटम लिया, इस एटम में के ये जो एटम है डायरेक्ट चार एटम से हुआ है, एक ये और एक ये और एक ये, चार एटम से हुआ है। तो ये सब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना जाएगा, चार जाएगा। अगर बंडी की बात करें तो बंडी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो बंडी में जो एक एटम है कोई सा भी, वो एक एटम डायरेक्ट कितने एटम से होगा, दो एटम से होगा, एक ये और एक ये, यानी ये वाला एटम इन दो एटम से जुड़ा है। तो ये कह जाएगा हमारा, इसका कोऑर्डिनेशन हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा, ये दो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, यानी एक एटम जो है दो एटम से जुड़ा हुआ है। तो इसमें कितना हो गया हमारा, जो SCP अरेंजमेंट है या फिर ए टाइप अरेंजमेंट है, ये हो गया हमारा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, यानी चार से जुड़ा हुआ है। अब ये जो हमारी संख्या वही 2D बनी, 2D मतलब इसमें क्या है, दो चीज है, एक तो इसमें लंबाई है और दूसरी क्या है, चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई दो चीज है, तो ये 2D का जाएगा। अब इसमें अगर दूसरी संरचना है, इस दूसरी संरचना में देखें कि हमने स्ट्रक्चर ये जो दूसरी लेयर बनाई थी, बी लेयर को हमने किससे अरेंज किया, ये पहली लेयर के जो बीच में खाली जगह थी वहां पर अरेंज किया। तो अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट बना है, ये जो अरेंजमेंट कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा AB टाइप अरेंजमेंट। AB टाइप अरेंजमेंट क्यों कहलाएगा, कि हमारी एक लेयर कौन सी है, एक लेयर तो हमारी पहली लेयर ए है, दूसरी लेयर बी, फिर ए और बी, तो इस तरीके से AB अरेंजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है, यहाँ के एटम जो क्लोज होंगे आपस में जुड़े हैं, वो किस अरेंजमेंट से जुड़े हैं, AB अरेंजमेंट से जुड़े हैं, इसलिए इसको AB अरेंजमेंट कहेंगे। अगर संरचना के आधार पर देखें, इसमें जो है स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, जो पार्टिकल्स है आपस में जुड़ के, तो कौन सी संरचना बन रहा है, तो इसमें जो संरचना बनती है वो हेक्सागोनल, हेक्सागोनल यानी षट्कोणीय। कोई एक एटम डायरेक्ट कितने एटम से जुड़ा हुआ है, यानी 6 एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये 6 एटम जो है आपस में, अगर इनको आपस में जोड़ दिया तो क्या बनेगा, एक हेक्सागोनल रिंग बनेगी, जो ये बनी हुई है तो कलर की हेक्सागोनल रिंग बनी है। तो अब ये जो संरचना बनी है वो बनी है हेक्सागोनल, तो अब ये कहलाएगा हमारी पैकिंग कहलाएगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाएगी, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाएगी। तो अब दो तरह की पैकिंग हो गई, एक तो AB अरेंजमेंट हो गया, AB पैकिंग कह सकते हैं, या फिर ये कह रहा है हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक एटम है, ये जो एटम है ये डायरेक्ट एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में बोलते हैं हम संयोजन संख्या, या फिर इसको समन्वयन संख्या भी बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो ये हमारा 2D हो गया, लेकिन अभी तक हमने कहेगा 1D देखा और 2D देखा, तो ये तो हमारी केवल एक सोच है कि ये जो पार्टिकल कितने से अरेंज हुए होंगे, हमने अनुमान लगाया और ये अनुमान सही है। और जितने भी सॉलिड नेचर में पाए जाते हैं, प्रकृति में जितने भी सॉलिड पाए जाते हैं, वो नहीं तो 1D में मिलेंगे, वो नहीं 2D मिलेंगे, वो हमको 3D में ही मिलते हैं। तो 3D में, अब 3D जो बनाएंगे हम कैसे बना सकते हैं, 2D से बना सकते हैं, यानी एक हमारा ये 2D है, ये जो AB अरेंजमेंट है, और एक हमारा सॉरी AA अरेंजमेंट, और एक है AB अरेंजमेंट। तो ये जो 2D संरचना है, इन 2D संरचना से हम क्या कर सकते हैं, 3D संरचना का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अब पहले हम जो फॉर्मेशन करेंगे वो AB अरेंजमेंट से करेंगे। तो जैसे हमारी ये AB अरेंजमेंट है, तो ये भी ये जो लेयर है ए लेयर, ये भी ए, सब एक एक लेयर है, तो AA लेयर है, तो AA अरेंजमेंट हो गया ये। तो ये जो अरेंजमेंट हमारा AA अरेंजमेंट हो गया।
अब इससे ये तो अभी 2D है, ये संरचना है हमारी 2D है, अब इससे हमें बनाना क्या है 3D बनाना है। तो 3D बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक लेयर और रखनी पड़ेगी। तो अब सेकंड लेयर हमारी ये है, तो एक लेयर को हम इसके ऊपर रखते हैं जैसे ये लेयर है। और तरीका क्या होगा, तरीका होगा कि ये जो लेयर है रखा है हम दूसरी लेयर इस परमाणु के ठीक ऊपर रखेंगे, यानी इस तरीके इसे सामने रख दिया। तो अब ये अरेंजमेंट हो गया। अब देखो इसमें दो चीजें होगी, तीन चीजें होगी, एक तो इसमें ये हो गया लंबाई हो जाएगी, एक लंबाई हो जाएगी, एक चौड़ाई हो जाएगी, ये चौड़ाई होगी, और एक ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है यानी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है और फिर तीसरी लेयर भी इस तरह से रख सकते हैं हम इसके ऊपर। तो ये तीन लेयर हो, ये लेयर इस तरह इसकी भी रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थ्री डी अरेंजमेंट हो गया, यानी जो संरचना बनी है थ्री डी बनी है, इसकी संरचना हमको नेचर में मिल सकती है। अब ये जो संरचना बनेगी इस संरचना को बोलेंगे हम क्यूबिक क्लोज पैकेज, इससे क्योंकि इससे क्यूब बन रहा है। और अरेंजमेंट कौन हो गया, ए ए अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट तो इससे ए ही होगा, ए क्यों होगा, जितने भी लिया है सब एक जैसी लिया है, कोई भी चेंज नहीं है, तो ये ए अरेंजमेंट हो गया। अब देखो इससे संरचना बनाइए, ये यूनिट सेल निकाल दो उसमें से। अब यूनिट सेल क्या होता है कि एक ऐसी सेल, एक ऐसी जिससे पूरी संरचना बनती है, तो यूनिट सेल कहलाती है। अब जैसे ऊपर के ये चार आइटम को आपस में जोड़ दें, ये हमने जोड़ दिया, और इसको पीछे वाले आइटम से जोड़ रहे हैं, ये इस तरह से जोड़ देंगे, तो जो संरचना बनेगी एक क्यूब बनेगी, क्यूब यानी घन बनेगा। और इसको हम देखें घन किस तरह से बनेगा, तो देखो ये हमारा 3D अरेंजमेंट हो गया, ये अलग है, ये जो 3D संरचना हो गई हमारी। तो इसको हम देखें तो ये हो गया, देखो पहली लेयर, ये पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी, चौथी, इस तरह से लेयर है, और सब जितने भी आइटम्स हैं सारे आइटम एक दूसरे के जस्ट ऊपर है, ना के बीच में प्रेजेंट है, सब एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है। अब इसकी एक यूनिट सेल निकालें इसकी हम, तो यूनिट सेल कौन सी आएगी, इसकी वजह से यूनिट सेल आएगी क्यूबिक यूनिट सेल, यानी ये जो यूनिट सेल है हमारी इसको देखें। तो अब जैसे ये है, अब हमने क्या करा, चार आइटम ले लिए, चार आइटम ऊपर वाली लेयर के और चार आइटम नीचे वाली लेयर के ले लिए हमने ये। अब देखो ये जो आपसे तो ये जो संरचना बनी है ये संरचना कहते हुए घन संरचना हो गई, यानी एक क्यूब बन गया। अब क्यूब तो बन गया ये, और इस क्यूब को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, या फिर सिंपल क्यूबिक सेल, या फिर हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं SCC बनता है, तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं SCC, यानी जो संरचना बनाई हमने ये SCC संरचना बनी। तो अब SCC बन गया ये, अब इसमें क्वालिटी क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या इसमें देखना होगा हमको, ये चीज़ देखनी है। तो SCC में जो कोऑर्डिनेट नंबर होता है किसी एक एटम का, वो देखना है। अब ये जो हमारी यूनिट सेल बन गई, अब इसमें हम देखें कि एक एटम क्या है, कितने एटम से जुड़ा होगा, जैसे ये एटम है, अब ये कितने एटम से जुड़ा होगा, जितने एटम से जुड़ा होगा उसका कोऑर्डिनेट नंबर हो जाएगा उतना ही, यानी उससे संरचना क्या हो जाएगी। तो ये एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ है, एक एटम तो ये है इससे जुड़ा हुआ डायरेक्ट, दूसरा ये, तीसरा और चौथा, चार एटम ये हो गए। तो और बाकी क्या है, एक इस एटम के पीछे होगा पांच, और एक लेयर और होगी इसके ऊपर, तो छह हो जाएंगे, यानी एक एटम क्या है, छह एटम से जुड़ा होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा। तो जैसे हम देखें यहाँ पे, तो जो हमारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेट नंबर कितना है, इसका छह है, तो छह कोऑर्डिनेट नंबर हो गया। और दूसरी चीज क्या, इसमें एक ही जो और देखनी पड़ती है हमको कि इसमें कुल परमाणु की संख्या कितनी होगी एक यूनिट सेल में। तो कुल परमाणु की संख्या का देखें, ये तो ये जो हमारा एक यूनिट सेल, हमने से इसमें से एक यूनिट सेल निकाली और ये यूनिट सेल लगाई हमारी ये, तो इसमें कुल परमाणु की संख्या निकालनी है, कुल परमाणु की संख्या कितनी होगी। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि एक एटम जो एक एटम का पार्टिसिपेट है वो कितने यूनिट सेल में पड़ जाते हैं, पार्टिसिपेट कितनी यूनिट सेल में है। तो उसे देखने के लिए हमको एक मॉडल देखना होगा, जैसे ये है हमारी एक यूनिट सेल है, ये अभी यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल देखो इसमें कई सारी यूनिट सेल है, एक दो तीन चार ऊपर है और चार नीचे, ये चार नीचे हुए, तो कितनी यूनिट सेल है इसमें, आठ यूनिट सेल है, एक ये लैटिस है, तो एक क्रिस्टल लैटिस है इसमें आठ यूनिट सेल है। अब आठ यूनिट सेल में हमें देखना है कि इसमें परमाणु, एक परमाणु है वो कितने यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे ये बीच वाला परमाणु, तो
तो ये परमाणु डेड कितने परमाणु जुड़ा होगा हमको ये देखना है, वो कितने यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करा होगा। तो एक ये अगर एटम है, इससे एक ये भी यूनिट सेल बन रही है, और इसी से ये भी बन रही है दो, और एक ये भी, और एक चार ये बन रही है, और चार ऊपर भी बन रही है वाले। तो एक एटम जो है चार यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो चार यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर, सॉरी आठ में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक एटम है और वो कितने में पार्टिसिपेट कर रहा है, आठ में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आठ में पार्टिसिपेट करेगा तो एक यूनिट से कितना हो जाएगा उसका 1/8 पार्टिसिपेशन हो जाएगा। एक यूनिट सेल में 1/8 भाग होगा उसका, 1/8 का भाग होगा। तो हमें निकालना है कि एक यूनिट सेल में कुल कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो अब हमारी एक यूनिट सेल ये होगी, हमारी ये जो यूनिट सेल है इसमें निकालना है कुल कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो एटम्स को अगर देखें तो ये ऊपर चार नीचे चार आठ है। देखिए एक एटम का पार्टिसिपेट कितना है, ये एक एटम का पार्टिसिपेट है 1/8, और है कितने ये आठ। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आठ आठ कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, एक बचेगा। यानी इसमें कुल परमाणु की संख्या कितनी होगी, इस यूनिट सेल में हो जाएगी एक होगी। तो एक है देखने हमको आठ लग रही है, लेकिन यहाँ पर जो एक परमाणु है इसका पार्टिसिपेट 1/8 है, तो ये कितना हो जाएगा, कुल परमाणु संख्या एक हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा, ये एस सी सी हो गया सिंपल क्यूबिक सेल। तो ये जो हो गया हमारा एस सी सी हो गया, यानी यूनिट सेल एस सी सी कहलाएगी। चलो अब ये हो गया हमारा, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम एस सी सी की बात करते हैं। तो एस सी सी एक तो तरीका ये था कि हमने क्या करा कि एटम को ठीक एटम के ऊपर रख दिया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम ये जो दूसरी लेयर हमने रखी है, इस लेयर को इस एटम के नीचे वाली लेयर के एटम के नीचे लेयर के ठीक ऊपर ना रखे, इसके स्पेस में रखें, इसकी जो बैकेंड स्पेस है, स्पेस है खाली जगह उसमें रखें। तो उसमें रखेंगे तो क्या होगा, तो उसमें ये होगा, देखो जैसे ये पहली लेयर है, ये आ रही पहली लेयर, ये चार एटम है, ये चार एटम पहली लेयर हो गई। और इसमें दूसरी लेयर रखेंगे हम, तो दूसरी लेयर में जो एटम होगा वो हम इन एटम के बीच में रखेंगे जो खाली जगह होगी। तो दूसरी लेयर हमने ये बनाई, दूसरी लेयर का एटम यहाँ पर आ गया, फिर तीसरी लेयर का एटम यहाँ है, तीसरी लेयर का एटम यहाँ है। तो इसमें तीन लेयर है, तो इससे जो संरचना बनेगी ये संरचना कहलाती है बी सी सी, बॉडी सेंटर क्यूब कहलाती है। तो बी सी सी क्या होगी, बॉडी सेंटर क्यूब। अब इसको देखें, देखो बॉडी सेंटर क्यों कह रहा है, इसको बॉडी सेंटर इसलिए कह रहा है क्योंकि ये जो एक यूनिट सेल है, यानी यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल यहाँ पे देखते हैं, ये आगे चार एटम ऊपर है और चार एटम नीचे है, और एक एटम कहाँ पर है, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। तो इसलिए क्या रहेगा, बॉडी सेंटर क्यों, तो ये कह रहा है हमारा बॉडी सेंटर क्यों, यानी शॉर्ट में इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर क्यों को बी सी सी, बी सी सी बोलेंगे। अब इसमें कुल परमाणु की संख्या देखें तो कितनी होगी, तो अभी हमने देखा जो सिंपल क्यूबिक सेल है, ये जो हमारा सिंपल क्यूबिक सेल था उसके कुल परमाणु संख्या क्या, एक थी, और एक एटम बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, लाल वाला एटम है सेंटर प्रेजेंट है। तो एक एटम तो हमारा ये हो गया जो आठों कोने पर प्रेजेंट था, तो एक एटम ही हो गया और एक सेंटर में प्रेजेंट है। तो कुल आइटम कितने हो जाएंगे, इसमें कुल आइटम की संख्या हो जाएगी दो, तो कुल परमाणु की संख्या हो जाएगी दो हो जाएगी। तो बीच चीजें कुल परमाणु की संख्या कितनी हुई, दो हो गई। चलो और बाकी देखते हैं, तो एक तो ये हो गया, ये तो हमने थ्री संख्या बनाई, दो संख्या बनी हमारी थ्री संख्या, हमने कितने बनाई, टू डी से बनाई, और टू डी कौन सा, टू डी जो हमने बनाया है वो सी सी पी, यानी सी सी पी से बनाई है, क्यूबिक क्लोज सेकंड है। ये भी हम कहते हैं ए बी अरेंजमेंट जो था, ए बी अरेंजमेंट है, टू डी ए बी अरेंजमेंट था, उससे हमने क्या बनाया, थ्री डी इकट्ठे बनाए, और थ्री डी सच हमको दो मिले, एक कौन सा मिला, एक मिला हमको एस सी सी सिंपल क्यूबिक सेल, और दूसरा बना मिला हमको बी सी सी बॉडी सेंटर क्यूब। अब हम जो है यूज करेंगे यहाँ ये वाली ए बी टाइप की संरचना यूज करेंगे, ए बी टाइप की संरचना, ये वाली पिकअप रहती थी ए से बनाई थी, अब ए बी से यूज करेंगे हम। तो ये वाली अब देखो हमने क्या करा है, जो इसमें ए बी संरचना थी, अब दूसरी जो लेयर है, ये तो पहली लेयर हुई, ये पूरी लेयर एक पहली लेयर पर क्लियर हुई, हम सेकंड लेयर ठीक इस लेयर के ऊपर रखेंगे। और ऊपर रखने से पहले हम देखते हैं यहाँ पे कुछ चीजें हमें दिखाई पड़ेगी, एक बैकिंग स्पेस मिलेगा हमको, जैसे एक ये है, एक ये, एक ये, इससे से मिलेगी हमको जो खाली संख्या मिल रही है, एक त्रिभुज के आकार की है, और एक और मिलेगी हमको ये नीचे की तरफ, ये
तो ये भी त्रिभुज के आकार के त्रिभुज है। तो इसमें दो तरह के त्रिभुज मिलेंगे हमको, जो खाली संरचना है त्रिभुज की दो तरह की मिलेंगे, एक तो हमको ऊपर की तरफ मिलेगी और एक नीचे की तरफ। तो इसमें दो तरह के त्रिभुज हो गए, यानी इसको खाली स्पेस बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, इसमें होता है वॉइड, VOID, वॉइड बोलते हैं। तो अब ये हमारे दो तरह के वॉइड है, एक ऊपर वाला वॉइड और एक नीचे वाला वॉइड। यानी अगर हम अगर किसी लेयर इसके ऊपर रखें, यानी सॉरी जो सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर इसके ऊपर रखें, तो किस तरीके से रख सकते हैं हम यहाँ पे देखो, जैसे ये वाली थर्ड लेयर है, इस लेयर को अगर हम इसके ऊपर रखना चाहें तो किस तरीके रखेंगे हम। तो दो तरीके हमारे पास रखने के, कि एक तो तरीका ये है कि हम या तो इसके ऊपर वाले, ये जो ऊपर वाले लेयर है यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे देखो ये है, या तो हम क्या करें कि एटम को ऐसे करें कि जो आने वाला एटम है वो ठीक यहाँ पे इस वाले एटम के बीच में है, यानी ऊपर वाले त्रिभुज को घेरे। या फिर दूसरा तरीका है कि हम इसे रखें इस लेयर को, इन यार त्रिभुज को घेरे। अगर यार इस वाले त्रिभुज को घेरेगा तो यह अलग खाली रह जाएगा, अगर इसको घेरेगा तो यह अलग खाली रह जाएगा। तो देखो इसको हम इसको अरेंज करते हैं इस तरह चाहेंगे, ये लेयर है इस लेयर पे रखते हैं और हम इस लेयर को ऊपर वाले लेयर कवर करते हैं, ये जो हमने ऊपर वाले लेयर कवर कर दी, ठीक है। तो ये हमने कवर कर दी ऊपर वाले लेयर। तो देखो ये हमने जो ऊपर वाला था त्रिभुज या ना त्रिभुज, ये ऊपर वाला हमने कवर कर दिया इससे एटम से, और जो नीचे वाला त्रिभुज था वो कैसे हो गया, वो खाली अभी भी दिखाई दे रहा है आपको, नीचे वाला त्रिभुज अभी दिखाई दे रहा है। और शीर्ष संरचना बनी है वो कैसी संरचना बनेगी, वो होगी देखो जैसे ये त्रिभुज हो गया, अब इसमें जो वॉइड थी दो तरह के वॉइड होते हैं, एक बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा वो कैसे बनेगा, एक एटम ये, एक एटम ये और एक एटम ये, तीन नीचे वाली लेयर के एटम और एक ऊपर वाली लेयर के एटम, तो तीन एटम हुए, तीन एटम ये हो गए, तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी इससे, और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी वो इससे बनेगी, तीन एटम ये वाले ऊपर वाले और तीन एटम नीचे वाले ये, तो इससे ऑक्टाहेड्रल बनेंगे। ये हम दूसरे लेक्चर में तुमको अच्छे से दिखा देंगे 3D में कि कैसे कैसे लेयर बनती है। तो इससे हम देखते हैं कि हम सिंपल इससे आगे बढ़े, तो इससे दो तरह की संरचना बनती है, एक बनती है इससे FCC संरचना बनती है और एक बनती है HCC। तो FCC में क्या होता है, फेस सेंटर क्यूब, ये फेस सेंटर क्यूब क्या होगा कि एक हम जो देख रहे हैं यहाँ पे जो काले डॉट्स पे जो लाइन बनी हुई है, जो काले हैं ये वाले, तो इससे जो संरचना बनेगी, जो बनेगी इसके वजह से FCC संरचना बनेगी जो हमने पहले देखा है। और इसमें जो हमारे एक क्यूब है, ये जो है ये क्यूब है हमारे, ये जो हमारा एक क्यूब है, ये क्यूब। अब इस क्यूब में धन में क्या दो चीज है, एक ये है ये लैटिस पॉइंट कहते हैं इसको, जो हमारे काले वाले बिंदु दिखाई दे रहा है, और ये जो पूरे एरिया है यानी एरिया है ये क्या लगता है हमारा फेस क्या लगता है, एक फेस ये हो गया, एक फेस नीचे वाला हो गया, दो एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला, चार एक पीछे वाला और एक आगे वाला फेस, तो छह फेस होते हैं इसमें। तो अब छह फेस पे एटम्स जॉइंट होंगे, छह फेस पे एटम्स जॉइंट होंगे। अब देखो इसमें जो लाल एटम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लाल डॉट दिखाई दे रहा है, ये छह फेस पे प्रेजेंट है, तो फेस का प्रेजेंट है, इसलिए ये कहता है हमारा क्यूब जो कहता है, ये कहता है फेस सेंटर क्यूब कहलाएगा, फेस सेंटर क्यूब। तो ये FCC हो गया, और FCC में हमको इसमें देख क्या है, FCC में हमको इसको बना देख रहे हैं कि इसमें कुल परमाणु की संख्या कितनी होगी। हमने FCC में देखा FCC में कुल परमाणु संख्या एक और बीस इसमें दो, तो इसमें भी देखो एक FCC संरचना दिखाई दे रही होगी कि जो काली वाली संरचना है वो FCC है, सिंपल क्यूब है। तो FCC में कुल परमाणु संख्या कितनी होती है, एक होती है। और दूसरी चीज यह इसमें फेस में एटम प्रेजेंट है, फेस में एटम जो प्रेजेंट है, ये जो एटम है जो फेस में प्रेजेंट है लाल वाले, अब इसमें पार्टिसिपेशन देखेंगे कि एक एटम का पार्टिसिपेशन कितना है। तो एक एटम जो पार्टिसिपेट करेगा एक इस यूनिट में भी करेगा और इसके ऊपर जो यूनिट सेल होगी उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा, एक यूनिट सेल होगी ये वाली उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा ये। तो आधा एटम तो ऊपर वाली यूनिट में हुआ और आधा ही नीचे वाली यूनिट में, तो एक यूनिट में कितना पार्टिसिपेट करेगा ये एटम, आधा करेगा। तो आधा करेगा ये हो जाएगा 1/2
टू पार्टी स्टेशन हो जाएगा इसका, इसका परिजन होगा 1/2। और फेस में कितने आइटम प्रेजेंट है, टोटल 6 प्रेजेंट है। तो अगर इसको कैलकुलेट करें हम तो कितना आएगा, 2, 3, 6। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एक आइटम तो ये हो गया, और ये तीन आइटम ये आए हमारे, तो कुल आइटम हो जाएगा इसमें 4। यानी कुल परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। F3C में कुल परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 4। इसी बात में एक चीज देखें, आज से देखें तो क्या होगा, ये जो फेस एंड का आइटम होता है, फेस का एंड आइटम होता है, वो इन चार आइटम से जुड़ा होता है, इन चार आइटम से होगा। लेकिन ये जो आइटम होता है, ये जो आइटम होता है कोने वाले, ये आपस में जुड़े हुए नहीं होते, तो आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे। तो इसमें हम अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले तो इसमें कुल इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन यानी संख्या वो कितनी होगी, तो हमको इसी से पता चलेगा कि एक एटम डायरेक्ट कितने एटम जुड़ा हुआ है। तो आपको इसलिए एक एटम ले लो कि ये जो एटम है, यह एटम इन चार एटम से जुड़ा हुआ है, तो 4 तो ये हो गई। और ये जो एटम है वो अपने फेस वाले एटम से जुड़ा होगा, फेस वाले एटम यानी ये जो लाल एटम है, फेस से जो प्रेजेंट है, 4 एटम इन 4 से जुड़ा होगा, और 4 आगे वाले फेस वाले एटम से जुड़ा होगा। तो ये टोटल जो जुड़े होंगे 12 परमाणु से जुड़ा होगा। तो ये क्या लगा हमारा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 12 परमाणु से डायरेक्ट जुड़ा होगा। ये कैसे कैसे जुड़ा होगा हम 3D में इसको नेक्स्ट लेक्चर में दिखा देंगे। और इससे एक संरचना और बनती है, इसी से ये जो हमने संरचना बनाई, इस संरचना से एक और संरचना बनती है, वो बनती है हमारी HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनती है। तो इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि 6 एटम तो नीचे क्लियर निचली तरफ होता है, ये 6 एटम दिखाई दे रहा है, ये 6 एटम नीचे है, और इसके बीच में 3 एटम प्रेजेंट होते हैं, और ऊपर भी 6 एटम प्रेजेंट होते हैं। अब जो कोऑर्डिनेट नंबर देखें कि एक एटम डायरेक्ट कितने एटम से जुड़ा होगा, तो जो 11 जो एटम होगा, ये बीच वाला एटम, ये 6 एटम से किससे जुड़ा हुआ है, इन 6 जुड़ा हुआ है, ऊपर 3 एटम और होंगे, ये वाले जैसे ये वाले हैं रिपीट होंगे, तो 3 से जुड़ा होगा, तो 6 ये और 3 ये, 6, 3, 9 और 3 ऊपर वाले से जुड़ा होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर और होगी, जैसे हम फर्स्ट में लेयर बनाए ए और बी और ए, दोबारा ए लेयर आ गए, फिर बी लेयर और होगी, 3 एटम के यहाँ पे इसके ऊपर, तो 3 एटम और जुड़े होंगे इससे, ये एटम जो है 6 से जुड़ा हुआ है और 3 से नीचे जुड़ा हुआ है, और बी लेयर दोबारा आएगी, तो यहाँ पे 3 एटम और जुड़ा होगा। तो कितना हो जाएगा, कुल परमाणु संख्या हो जाएगी 12, यानी 12 परमाणु संख्या हो जाएगी, यानी एक एटम 12 एटम से जुड़ा होगा।